अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मेरी मॉर्निंग का स्टार्ट हुआ है। ये मैं अपना सहरी बना रही हूँ, क्योंकि आज मैंने अकेली ने रोज़ा रखना था उसके बाद, तो इसलिए मैंने वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं की है। उसके बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गई। ये आफ्टरनून का क्लिप है। जब मैं सो के उठी तो फिर मैं गई हूँ हलाल सुपरमार्केट, वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी। हाँ, फिर मैंने ये कुछ क्लिप आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किए हैं कि वहाँ हर चीज़ मिलती है। जो न्यू देखने वाले हैं मेरे ब्लॉग्स, तो वहाँ उन्हें आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से सब कुछ मिलता है। देखिए, यहाँ रफान की जेलीज, पाकिस्तानी प्रोडक्ट और इंडियन प्रोडक्ट्स भी आपको सारे मिलेंगे इधर से, तो आप इजीली वहाँ जाके एक ही स्टोर में सब कुछ ले सकती हैं। देखें, ये टी पॉट भी इधर से मिलते हैं, ये जो हम पाकिस्तान से लेके आते हैं। और ये बहुत ब्यूटीफुल था, जो ये क्ले से बना हुआ था, ये पैन था, और ये बहुत अच्छा है। अगर कोई इंटरेस्टेड है इस तरह तो ले सकते हैं यहाँ। और ये नॉन स्टिक के तवा और सारी चीज़ें, मुझे एक्चुअली बेसन लेना था और ईस्ट लेनी थी, इसलिए फिर मैं उधर आई। और ये पाकिस्तानी स्वीट्स भी इधर पड़ी हुई हैं, वहाँ क्ले के कप ग्लास और ऐसी चीज़ें भी थी। फिर मैं वापस आई हूँ घर, तो इफ्तार टाइम होने वाला था, तो मैंने क्विकली अपनी इफ्तार प्रिपरेशन स्टार्ट की। ये जो मैंने आपको पहले दिखाया था ना, जिसमें मैंने मिंट और सारी चीज़ें फ्रीज़ की हुई थी, वो मैंने योगर्ट में डाल के उसको मैंने एक चटनी बना ली। फिर ये जो स्टीम रोस्ट मैं कर रही हूँ, इसकी वीडियो अगर इसका अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए तो ये आप मैंने यूट्यूब पर अपलोड की हुई है, तो आप देख सकते हैं। और ये मैंने फिर फ्रूट चाट बनाई। ये मैंगोज हम कोस्टको से लेके आए थे, ये मैक्सिको के मैंगो है, बहुत मज़े के, बहुत यम्मी होते हैं। पाकिस्तान के जैसा टेस्ट तो नहीं होता, लेकिन बहुत अच्छे होते हैं। तो ये फिर मैंने फ्रूट चाट प्रिपेयर की, जिसमें कि बहुत सिर्फ एप्पल, बनाना, पेयर और जो था डेट्स, ड्राई ब्लूबेरीज थी, और मैंगो जूस था, और फ्रूट चाट थी, वो इसके अंदर मैंने ऐड की। और बस ये एक ऑरेंज भी था बस ये चीज़ें ऐड करके तो मैंने फ्रूट चाट रेडी कर ली, क्योंकि मेरे पास मेलन फिनिश हुआ हुआ था, तो इस तरह की मेरी फ्रूट चाट डन हो गई। उसके बाद फिर मैंने एक ड्रिंक बनाई, ड्रिंक जो कि आगे अभी आपको दिखाती हूँ। ये मैंगो से जो मैं लेके आई थी कोस्टको से, और अगर किसी को चाहिए तो वहाँ से ले सकते हैं, मैक्सिको के मैंगोज। ये फिर मैंने पकौड़ाज बनाए, जिसमें बेबी स्पिनिच डाली, और इस तरह मेरे पकौड़ाज डन हो गए। और आज ये मैंने ड्रिंक बनाई थी, इसमें सोडा स्ट्रीम इसमें बनाई थी, क्योंकि मेरे बच्चे ये रूह अफ़ज़ा नहीं पीते, तो इस तरह थोड़ा फिजी हो जाता है, तो फिर उस तरह ये लोग पी लेते हैं। और ये मेरा फाइनल टेबल है इफ्तार का, हम लोगों ने इफ्तार किया, और जितना मुझे क्लिप रिकॉर्ड कर हुआ मैंने किया आप लोगों के लिए। तो आप सब भी मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको ये मेरा क्लिप अच्छा लगा है, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा है, तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।